भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन फाइजर कंपनी की हो सकती है। इसके लिए फाइजर इंडिया ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने अप्लाई किया है और अब भारत में ऐसा करने वाली यह पहली कंपनी है। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। इसकी पेरेंट कंपनी को यूनाइटेड किंगडम और बहरीन में ऐसा अप्रूवल मिल चुका है और अगर अब DCGI से फाइजर इंडिया को मंजूरी मिल जाती है तो भारत में उपलब्ध होने वाला पहला टीका उसका हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी DCGI से अपनी वैक्सीन के लिए ऐसी ही अनुमतियां मांगी हैं। कंपनी भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए मंजूरी चाहती है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल होता क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA वैक्सीन और दवाओं, यहां तक कि डायग्नोस्टिक्स टेस्ट और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी किया जाता है। भारत में इसके लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी बॉडी है। वैक्सीन और दवाओं के लिए ऐसा अप्रूवल उनकी सेफ्टी और असर के आकलन के बाद दिया जाता है। इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को आधार बनाया जाता है। आमतौर पर वैक्सीन को अप्रूवल होने में कई साल लगते हैं। अब तक का सबसे कम अप्रूवल टाइम 4.5 साल का था। आपातकालीन स्थितियों में जैसी अभी हैं, दुनिया भर के देशों में ऐसी व्यवस्था है कि दवाओं और टीकों को अंतरिम मंजूरी दी जा सके अगर उसके असर के पर्याप्त सबूत हैं तो। फाइनल अप्रूवल पूरे डेटा के एनालिसिस के बाद ही मिलता है। हालांकि फाइजर इंडिया ने 4 दिसंबर को ही आवेदन किया है और यह वैक्सीन भी जर्मन फार्मा कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाई गई है। यह mRNA जैसी एडवांस तकनीक पर आधारित है। वैक्सीन का कोड नेम BNT162B2 है। इस वैक्सीन का एफिकेसी डेटा दिखाता है कि यह 95% तक असरदार है, मगर भारत में इसका ट्रायल नहीं हुआ है। भारत में इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए कंपनी को वही डेटा देना होगा जो उसके UK रेगुलेटर के सामने रखा है। फाइजर की वैक्सीन के साथ सबसे बड़ी समस्या कोल्ड स्टोरेज की है। इसे 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करना पड़ता है। भारत जैसे देश में सबसे कम तापमान पर वैक्सीन स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि महामारी के दौर में कंपनी केवल सरकारी ठेकों के जरिए ही वैक्सीन सप्लाई करेगी। वैक्सीन के दाम भी अमेरिका में $40 से ज्यादा है। ऐसे में भारत में इसकी कीमत और ज्यादा रह सकती है, लेकिन दूसरी और फाइजर की वैक्सीन को 2 देशों में इस्तेमाल की मंजूरी के बीच कंपनी के CEO डॉक्टर अल्बर्ट बूला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी यह साफ नहीं है कि उनकी वैक्सीन जिन लोगों को लगेगी वे आगे संक्रमण फैलाएंगे या नहीं। उन्होंने NCB से बातचीत में कहा है कि इस पर और जांच की जरूरत है। अभी उन्हें जितना पता है उसके आधार पर वे कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा देश में कई अन्य वैक्सीन का भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च की जो वैक्सीन है फेज 3 ट्रायल से गुजर रही है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन भी 2-3 ट्रायल में है। रूस में बनी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V का ट्रायल भी देश में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भावना।